करते हैं कि ये पूरी निष्ठा लगन एवं अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पिछले एक वर्ष के चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के उपरांत आपक निरीक्षक गणों को एक सामान्य युवा से एक सच्चे सुरक्षा प्रहरी के रूप में ढालने का कार्य आज पूर्ण हो रहा है। समाज की उम्मीदों सहित आप अपने व्यवसायिक जीवन में प्रवेश करेंगे और अपनी गरिमामय उपलब्धि का सम्मान बनाए रखेंगे तथा अपनी संवेदनशील व शौर्यपूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं उच्च स्तर की व्यवसायिक दक्षता से ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्णिम इतिहास में नित नए आयाम स्थापित होते रहेंगे। सभी पुरस्कार विजेता अपने नियत स्थान की ओर। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक राजऋषि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर अनुरोध है कि इस उप निरीक्षक पुलिस दीक्षांत समारोह को अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के आधारभूत कोर्स 2023-24 के दीक्षांत परेड के आज के इस आयोजन में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव सबरवाल जी, आज के इस समारोह में विशिष्ट रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, पुलिस अकादमी के सभी यहां पर अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथि और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज मुझे प्रसन्नता है कि 2023-24 के 8,362 उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर जिनका पासिंग आउट परेड आज प्रदेश के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में संपन्न हो रहा है, मुझे प्रदेश के उत्कृष्टतम अकादमी में इस दीक्षांत परेड में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पासिंग आउट परेड में 1,618 महिला पुलिस उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले 8,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे,
जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षकों को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं प्रशिक्षण वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मानदंडों और व्यवहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीदारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षकों को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उपनिरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षकों को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रखकर के बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सूत्र बताए हैं उसमें उन्होंने स्टिक एंड सेंसेटिव
मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट एंड अकाउंटेबल रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्यों का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की है। संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और विगत दिनों इसका लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। समय के साथ हो रहे निरंतर परिवर्तन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नए कानूनों आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। दक्ष न्यायप्रिय पारदर्शी जवाबदेह व निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर सिद्ध होगा, यह मेरा अटूट विश्वास है। आप पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं। जो ये पद है यह कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और आपसे अपेक्षा है जनमानस की सुरक्षा, समाज में अमन चैन कायम रखते हुए एक मित्र पुलिस को की छवि को अछूने बनाए रखने के लिए आप सभी अपना बेहतरीन योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत सामंजस्य भी बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्य निष्ठा का भी आप सफल उदाहरण स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डट करके खड़े रहना तो अपने को कर्तव्य की वेदी पर अर्पित कर देना है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की वर्दी को देखकर एक सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होता है। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित को उसकी स्वयं की पीड़ा से मुक्ति करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस कर्मी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी का उदाहरण वह प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव, अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने पुलिस रिफॉर्म और पुलिस
मॉडर्नाइजेशन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में हमने 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो साथ ही 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रोन्नति भी प्रदान की है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा पिछले 7 वर्ष के अंदर किए गए बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपना परसेप्शन दुनिया देश और दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है, सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश विदेश में प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। प्रदेश को इस नई धारणा का श्रेय काफी हद तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवानों के द्वारा किए गए प्रयास उनमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द की स्थापना करने में जिस सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि राज्य पुलिस बल एक दक्ष, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस तथा प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरने वाला एक बल हो। दीक्षांत समारोह के पश्चात आप विश्व के सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः सभी प्रशिक्षुओं और उनके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी नव प्रशिक्षित उप निरीक्षकगण के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप अपने आप को साबित करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वर्गम ना पुनर्भवम दुख ताप तनाम प्राणी ना मरती नाशनम। मैं ना राज्य ना स्वर्ग ना मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं अपने तमाम सुखों के बदले केवल प्राणी भांत के कष्टों का निवारण चाहता हूँ। सभी शिक्षुओं के लिए यह एक गौरवमयी और अविस्मरणीय क्षण है
जिसे महोदय आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने भी ऐतिहासिक बना दिया है। वीरता, शौर्य, पराक्रम और समर्पण का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता यह उत्तर प्रदेश पुलिस बल आपको सेवा का ऐसा दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराता है जो अन्यत्र सेवाओं में संभव नहीं है। जिस तरह गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजामहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में प्रकट होता हूँ। ठीक उसी तरह जब जब और जहाँ जहाँ समाज में अन्याय व्याप्त होता है वहाँ आप सभी उपनिरीक्षक गण देवदूतों की भांति न्याय के सशक्त प्रहरी बन लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाएंगे और समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखेंगे। आप सभी के द्वारा ली जाने वाली शपथ आपके संपूर्ण जीवन काल में प्रत्येक क्षण आपको नैतिक संकट से निकालने में सशक्त मार्गदर्शन साबित होगी। शपथ ग्रहण की कार्यवाही कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगी। शपथ ग्रहण के उपरांत सभी प्रशिक्षु अपना प्रथम कदम पुलिस सेवाओं में रखेंगे और सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दायित्वों को अपने कंधों पर संभालेंगे। परेड शनै शनै अपने नियत स्थान की ओर। महोदय से सादर अनुरोध है कि शपथ कार्यवाही संपन्न कराने का कष्ट करें। मैं शपथ लेता हूँ तथा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करें। पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदया से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदया से सादर अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, हमारे बीच में उपस्थित प्रमुख सचिव गृह, निदेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद, राजीव जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण तथा अकादमी के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, प्रशिक्षण प्राप्त समस्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उनके परिवारीजन, प्रशिक्षण प्राप्त अन्य प्रशिक्षुगण एवं उपस्थित अतिथिगण तथा मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अमूल्य समय निकालकर यहां उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन किया। आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वचन प्रशिक्षकों को जन सेवा तथा शांति और सुरक्षा की स्थापना हेतु सदैव मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आज इस भव्य दीक्षांत कार्यक्रम के अवसर पर समस्त प्रशिक्षुओं तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए मैं आप सबको एवं आपके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही वर्ष 2023-24 बैच की पुलिस सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस जो प्रदेश के 10 अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर आज अपने प्रशिक्षण संस्थान की दीक्षांत परेड में सम्मिलित है को व उनके परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सब प्रशिक्षुगण अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस परेड में और इस अवसर पर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के लिए दिया गया अमूल्य मार्गदर्शन कर्म क्षेत्र में सदुपयोगी जन सेवा और शांति की स्थापना हेतु आजीवन प्रेरित करेगा। मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपने इन प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों से कर्तव्य पालन के लिए जो भी अपेक्षाएं की हैं उस पर ये खरे उतरेंगे। इनके द्वारा कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा जीवन और समाज के प्रति जो शपथ ली गई है उनका ये मन वचन और कर्म से पूर्णतः पालन करेंगे। मैं आज हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जी, भाजपा व प्रमुख सचिव गृह का तह दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं निदेशक अकादमी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने प्रशिक्षण के उच्च मानक को धारण करते हुए व्यक्तित्व के चौमुखी विकास के मूल्य में रखा, जिससे प्रदेश को मानसिक शारीरिक एवं विधि के ज्ञान से परिपूर्ण अधिकारी मिलेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे बीच में उपस्थित अतिथिगण तथा मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। मैं प्रशिक्षण कार्य में संलग्न सभी इंडोर और आउटडोर स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ योग्य एवं समाज की सेवा में तत्पर अधिकारी तैयार किए हैं। अंततः मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आप यहाँ आए, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। और इसी के साथ जय हिंद। या आगे नहीं उत्तीर्ण विद्यार्थी कंधे सस्त उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्य से धीरे चल। इस समय सुप्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष ही शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। खटागिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो,
जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, जलो नई मिसाल हो जलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पंक्तियां संदेश हैं इन नवनियुक्त अधिकारियों के लिए, आज की ये सहर इन पंक्षियों के लिए एक नई उड़ान लेके आई है। ये वीर सपूत अपने भाग्य की ओर चल पड़े हैं और कहते हैं जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उप निरीक्षक सिविल पुलिस दीक्षांत समारोह का ये अद्भुत और अविस्मरणीय नजारा है। ताल में मंच के दोनों तरफ क्रमवार आगे बढ़ती हुई आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय से लबरेज इन डिविजन्स को देखकर कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं।